वालेकुम मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो और आज का हमारा ये लेक्चर या वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जब मैंने स्टार्ट किया सीरीज़ वन से ही है और ये टॉपिक है वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी से और मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये लेक्चर या वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है कील कैनाल कनेक्ट्स नॉर्थ सी टू तो बाल्टिक सी कील कैनाल जर्मनी में वाक है नॉर्दर्न जर्मनी जो बॉर्डर है जर्मनी का डेनमार्क के साथ वहाँ करीबी है लेकिन है जर्मनी के अंदर और केल के नाल को बनाया गया था 1895 में अठारह में और ये जो है कनेक्ट करता है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी बाल्टिक सी जो कि तीन कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया लेथनिया उनके बिल्कुल जो है वेस्ट में है और जो नॉर्थ सी है ये यूके के बिल्कुल जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में है तो इन दोनों सीज़ को यानी कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को ये कनेक्ट करता है कील कैनाल और अगर आपने वर्ल्ड वार वन को पढ़ा और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीस है उसमें वाज अंदाज में जो है वो मेंशन किया गया है कील कैनाल को यानी कि ये अल्लाइट पावर्स ने अपने कंट्रोल में लिया था ट्रीटी ऑफ वर्सलीस के तहत उसके बाद है दी पन्नामा केनाल पन्नामा केनाल कनेक्ट्स विद विथ पैसिफिक ओशन को एटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है पन्नामा केनाल और पन्नामा कंट्री है एक्चुअली सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है ये और ये जो है केनाल पन्नामा इसको स्टार्ट किया गया 1914 में 1914 में और यह बनाया था अमेरिका ने यानी कि यूएसए ने और जो पनामा कंट्री है एक्चुअली स्थम से ही है, नेरो पार्ट ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू बिग लैंड मासेस, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है पन्नामा कंट्री और वहां से बनाया गया पन्नामा केनाल तो जो पन्नामा केनाल है ये कनेक्ट करता है एटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ क्योंकि पहले 1914 से पहले क्या था जो ईस्टर्न अमेरिका है यू एस के जो सिटीज़ हैं जिस तरह न्यूयॉर्क है तो वहाँ से अगर आपको जाना है तो द वेस्टर्न अमेरिकन जिस तरह कैलिफोर्निया है वहाँ पर तो साउथ अमेरिका का जो बिल्कुल साउदर्न टिप है ऑफ हॉर्न तो वहाँ से आपको क्रॉस करना था एक लंबा सफ़र था वो तो इस कैनल ने पनामा केनाल ने उस लंबे सफर को काफी मुख्तर काफी शॉर्ट कर दिया उसके बाद है दस्पेंसी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड अब यहां मैंने लिखा सी केसपेंसी और यहां मैंने कहा लार्जेस्ट लेक लिसन सी इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ ओशन नियर लैंड किसी भी ओशन का वो हिस्सा जो कि किसी जियोग्राफिकल पार्ट लैंड पार्ट के साइड में हो उसको हम कहते हैं सी जिस तरह अरेबियन सी है साउथ चाइना सी है इस तरह अब यहाँ पर जो सी है एक्चुअली उसका पानी साल्टी पानी होता है और जो लेक है या रिवर है उनका पानी है फ्रेश वाटर अब दुनिया के अंदर जितने भी लेक हैं उनका पानी होता है फ्रेश वाटर सवाए तीन लेक्स। सिर्फ तीन दिनों में ऐसे लेक्स हैं, इनलैंड वाटर हैं वो उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है ओशन के साथ फिर भी उनका पानी है साल्टी पानी जिस तरह के अरलसी दोनों सेंट्रल एशिया में ये लोकेटेड हैं, और तीसरा है डेड सी, जो कि फलस्तीन जॉर्डन और जो इसराइल वहां पर लोकेटेड है तो ये एक्चुअली लेक हैं लेकिन का पानी जो है वो फ्रेश नहीं है वो सालती है इसलिए हम कहते हैं सी लेकिन एक्चुअली ये लेक है तो अगर सवाल आ जाए दर्ल्ड लार्जेस्ट लेकिन अगर सवाल हो दर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो फिर है लेक सुपीरियर जो कि यूएसए और कनाडा वहां पर बाउंड्री पर लोकेटेड है उसके बाद न्याग्रा फॉल्स न्याग्रा फॉल्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉल्स इन द वर्ल्ड दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत तरीन जो वाटर फ़ॉल्स हैं वह है नगरा फॉल्स ये कहाँ पर हैं अमेरिका और कनाडा उन दोनों के बाउंड्री पर हैं बार्डर पर ही हैं जो पाँच एक्चुअली वहाँ पर लेक्स हैं विकॉल दम ग्रेट लेक्स जिस तरह लेके के है लेके के लेके ले के हरूम ले के एरी ले के जो ले के और ले एरी हैं उन दोनों के बिल्कुल दरमियान में लोकेटेड है न्यागरा फॉल्स जो कि बहुत ही हसीन मंजर है वहां पर उसके बाद है द एंजल फॉल्स आर द हाईएस्ट फॉल्स इन द वर्ल्ड दुनिया के सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन से पानी गिरता है वाटर फॉल्स हैं वो ये हैं द एंजल फॉल्स और ये हैं वेनेजुएला के अंदर यानी कि साउथ अमेरिका में द हाइस्ट वाटर फॉल्स इन द वर्ल्ड द एंजल फॉल्स उसके बाद है इंटरनेशनल डेट लाइन आई डी एल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है लॉन्डीट्यूड का 180 डिग्री पर वाकई है बैरेंग स्ट्रेट बेरेंग सी और जो है पैसिफिक ओशन वहां से गुजरता है इंटरनेशनल डेट लाइन और यहां से हम डेट को चेंज करते हैं और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप लाजमी देखें उसमें हमने मुकम्मल तरह से डिस्कस किया है इंटरनेशनल डेट लाइन को और इस मेरे वीडियो को आप लाजमी देखें उसके बाद है माउंटेन रेंज एक होता है हाइएस्ट माउंटेन पीक हाइएस्ट माउंटेन वह है आ, एवरेस्ट जो कि दी हिमालय के ऊपर है नेपाल के अंदर अब यहां पर है लॉन्गेस्ट यानी कि लेंथ में सबसे लंबा बड़ा जो माउंटेन रेंज है वह है द इंडेज और ये है साउथ अमेरिका में लोकेटेड जो वेस्टर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का वहां ये लोकेटेड है द इंडेज माउंटेन्स बिल्कुल चिली और जो अर्जेंटीना का साउदर्न पार्ट है वहां तक है द इंडेज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड उसके बाद है लापाज बोलीविया का कैपिटल सिटी है लापाज़ साउथ अमेरिका में लापाज़ इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी ये सवाल मुनसी भी किया गया था सीसी के अंदर द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड इज लापाज़ बोलीविया का शहर है ये और ये है इस माउंटेन के ऊपर यानी कि द इंडेज माउंटेन के ऊपर ही है लापाज़ अगर ये सवाल आए कि हाईएस्ट कैपिटल सिटी द आंसर शुड बी लापाज़ अगर सवाल पूछता है वो के द हाईएस्ट टाउन तो वो है लहासा तिब्बत चाइना के अंदर चाइना है हाइएस्ट नंबर ऑफ नेबर्स चीन के पास सबसे ज्यादा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो चाइना के पास हैं चाइना ईस्ट एशिया में लोकेटेड है और कुल मिलाकर मेरे ख्याल में जो नेबरिंग कंट्रीज का तादाद नंबर है वह चौदह 14 देर आर फोर्टीन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ चाइना जिस तरह नॉर्थ कोरिया है रशिया है मंगोलिया है कजाकिस्तान है और जो है आपके साथ करगजिस्तान है ताजिकिस्तान है पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान इंडिया नेपाल भूटान फिर आएगा वहाँ पर म्यांमार जो है वो थाईलैंड लाओस वियतनाम इनफेक्ट तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा है जो मैंने कहा जो नेबर्स हैं वो चाइना के हैं द यूएसए कनाडा बॉर्डर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड दुनिया के किसी भी दो कंट्रीज के दरम्यान में दुनिया के किसी भी दो कंट्रीज के है जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो ये है यूएसए कनाडा ए बॉर्डर द लॉन्गेस्ट बाडर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड और इस बार्डर के दो पार्ट्स हैं एक तो जो मेन लैंड है अमरीका का विथ कनाडा एक वो और दूसरा जो है अलास्का उसके साथ जो मेन जोग्राफिकल लैंड है बाउंड्री है यूएसए का विथ कनाडा उसको हम कहते हैं फोर्टी नाइन बी फोर्टी नाइन लाइन उसके बाद है शक्तल अरब शक्त का मतलब है रिवर शक्तल अरब द रिवर ऑफ द अरब्स दो बड़े मशहूर रिवर्स हैं इराक के यूफ्रेट्स और टिग्रस हालांकि वो स्टार्ट होते हैं टर्की से उसके बाद जो है वो इराक में उसके बाद वो आते हैं कहाँ पर जो है पर्शियन गल्फ के अंदर तो टिग्रस और यूफ्रेट्स दोनों एक जगह है वहाँ एक हो जाते हैं दोनों मिल जाते हैं जो एक रिवर बन जाता है बिल्कुल जो ईरान और इराक का बाउंड्री है उसके दरमियान में उसको हम कहते हैं शक्तुलरब द रिवर ऑफ द अरब्स और इस जगह पर जो है नाइनटी एटीज़ में एट्टी से लेकर एट्टी एट तक जो आठ साल लड़े थे ईरान और इराक वो ये जगह है शतल अरब तो ये कुछ जो हैं मेब के हवाले से जोग्राफी के हवाले से कुछ आ, सवाल हैं कुछ आंसर्स हैं जो कि मुख्तलफ एग्जाम्स में ये सवाल पूछ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा और मुझे लाजमी कहना पड़ता है जो आपका अप्रिसिएशन है जो आपका प्यार आपका मोहब्बत है ये मेरे लिए बड़ी बात है जब आप लोग यू नो अप्रिशिएट करते हैं तो यू नो इट इज़ सोर्स ऑफ मोटिवेशन हाँ तनकीद भी करना आपका फ़र्ज़ है बट दैट मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव थैंक यू सो मच अगेन स्टेबलिस्ट अल्लाह हाफिज़